देखिए दोस्तों, हमने दो चैनल को मोनेटाइज किया था। एक चैनल को मोनेटाइज किया था तो वो लगभग एक दिन के अंदर में मोनेटाइज हो गया, और दूसरा चैनल को जब मोनेटाइज किया तो वो लगभग 8 दिन हो गया है और अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो अभी जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाला जो चैनल है ये मोनेटाइज हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा होगा कि ये वाला चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब चलिए दोस्तों, दूसरा चैनल हम दिखा दे रहे हैं आपको जो मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही वाला चैनल है, ये भी मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। और वो वाला चैनल जो है, एक साथ हम दोनों अप्लाई किए थे तो एक मोनेटाइज हो गया और एक मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो अभी देखिए YT स्टूडियो में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, तो हम लोगों को चल कर देखना पड़ेगा क्रोम ब्राउजर में, क्योंकि क्रोम ब्राउजर में हो सकता है कि मोनेटाइज हो गया हो। तो देख सकते हैं यही वाला वो चैनल है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गो टू सेटिंग, यहाँ से हम अभी बैक आ जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ गए, और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसको रिफ्रेश कर दे रहे हैं एक बार, ऊपर से नीचे खींचेंगे रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको नीचे से ऊपर खींच करके रिफ्रेश कर चुके हैं, ये रिफ्रेश हो गया है और अभी तक यहाँ पर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि ये मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो ये मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ना एडसेंस हम नया बना करके ऐड किए थे, और जो वो वाला मोनेटाइज हो गया था वो इसमें एडसेंस पुराना वाला था, इसीलिए मोनेटाइज हो गया है। तो अगर आपके पास पुराना एडसेंस है तो उसको ऐड करेंगे तो जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, अगर नया एडसेंस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 दिन 15 दिन का, तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है।